हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ मोनिका। आप फोटो देखकर समझ तो गए होंगे कि आज मैं आपके साथ में समोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल हलवाइयों की तरह समोसे बनते हुए खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि बाजार के हैं या घर के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, 5-6 आलू हैं मीडियम साइज़ के। इन्हें अच्छे से बॉईल करना है। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, गरम करने रखा है इसे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत खड़ा धनिया। इसे अच्छे से सिकने के बाद अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ और 4 से 5 हरी मिर्ची। अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। यहाँ पे मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, काजू किशमिश बहुत अच्छा लगता है वो भी। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं आलू। इसे अच्छे से मैश करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में ले रही हूँ मैं यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून नमक। मिर्ची पाउडर और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और करीब 6-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे हम। ये देखिए सब्जी बनके रेडी है। तो अब हम इसमें धनिया और डाल देते हैं, फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए अब हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1.5 कटोरी के करीब मैदा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन क्रश करके। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून ऑयल, 1 चम्मच नमक। मिक्स करेंगे इसे। सब चीज़ें मिक्स होने के बाद इस तरह से चेक कर लें कि तेल बराबर है या नहीं, मौन बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर कम होगा तो भी समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, ज़्यादा होगा तो भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार कर लेते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मैंने छोटी छोटी लोई बना के रख ली हैं। अब हम इन लोई से मीडियम साइज़ की रोटी बना लेंगे। ध्यान रहे कि ये ज़्यादा ना तो मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। इसके बाद हम यहाँ पे बीच में से कट लगाएंगे और यहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ। उसके बाद हमें एक पोर्शन को उठा लेना है अपने हाथ में। इसे कोण का शेप देते हुए चिपकाएंगे आपस में। अब हम इस कोण में आलू की सब्जी भरेंगे और किनारों पे हम लगाएंगे पानी और इस तरह से चिपका देंगे। ध्यान रहे कि सारे समोसे बना लेने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद अगर आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ मैं सारे समोसे इसी तरह से बना लूँगी और 10-15 मिनट के बाद हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्राइंग के लिए तेल गरम हो गया है और मैं यहाँ पे एक एक करके सारे समोसे डाल दूंगी। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है हमको, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम रखें। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलट दें। देखिए बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखा आपने समोसे बनाना कितना आसान था। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी समोसे बनके तैयार हैं। आप भी बनाकर ज़रूर देखिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।